पहली यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्य में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मत में विशेष लगाव था, इसलिए उनके सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले एक कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन पर विशेष जो दिए। इसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट के परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उन्हें निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हुए। यानी देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणी, उद्यान तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी में शामिल हुए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की उद्यम क्षमता के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यह से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीति जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। केंद्र में उन्होंने कई सारे पद संभाले। इन पद पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रणाम दिया, यह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्य में उन्होंने दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को अब कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारण थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसे ही भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसलिए लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता पाए
और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इसी पद पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकारी संपादन भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मीय संयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इसकी अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य के मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, यह आपके संविधान द्वारा प्रद कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारे देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यक्तिस्थ समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए हुए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अधिकार कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने की थी, हमारे लेखक ने यहाँ शंकर दयाल शर्मा ने हमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं से उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। तो फ्रेंड्स, इस बात से हमें पता चलता है कि हमें देश के प्रति कितना लगाव रखना चाहिए। शास्त्री जी ने यही संदेश दिया है कि आप कर्म क्षेत्र कोई भी हो, आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले उन्हें देश के नागरिक है। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। इस लेसन की जो भाषा सज्जता है वो मैं दूसरे पार्ट में आपको सिखाने वाली हूँ। तो इस लेसन यहाँ तक समाप्त होता है। आगे के लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।